नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी भारत पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स यानी कि डाइजेशन की प्रॉब्लम्स में काम आने वाले एक होम्योपैथिक पेटेंट R5 के बारे में। दोस्तों, अधिकतर लोगों को जो है डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि एसिडिटी हो जाना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना या नॉजिया वॉमिटिंग या इरेक्टेशंस या फिर आपको फ्लेचुलेंस की दिक्कत रहती है, या कई बार क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है या आपको कई बार भूख बहुत कम हो जाती है। तो हम जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम्स जो है आती जाती रहती हैं हमारी लाइफ में, और इनकी वजह से बहुत बार जो है हमारा डेली रूटीन बिगड़ जाता है क्योंकि हम जो है इरिटेटेड रहना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अगर दिक्कत देना शुरू कर देता है तो जो स्वभाव है हमारा वो इरिटेटिव हो ही जाता है, क्योंकि इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जो हमारा डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब रहता ही रहता है। तो आइए जानते हैं कि R5 जो पेटेंट है वो डाइजेशन की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में जो है बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो R5 जो है वो एक ऐसा पेटेंट है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है डाइजेशन को इजी कर देता है और आपको डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आने से रोकता है। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों, अगर आपको गैस्ट्राइटिस हुआ है यानी कि अगर आपके स्टमक में जो है इन्फ्लेमेशन आ रही है तो उसको भी ये रोकने के या खत्म करने में काम आता है। इसके साथ यदि आप लोगों को एब्डोमेन के अंदर डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से अगर दर्द हो रहा है या आपका जो पेट है वो डिस्टेंड कर रहा है या ब्लॉट कर रहा है और आपको एसिडिटी की शिकायत भी हो रही है, एसिडिटी जो होती है उसमें दोस्तों आप लोगों को हार्ट बर्न होता है यानी कि यहाँ पे जलन जो है शुरू हो जाती है इसोफेगस में, और इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को ढकारें आना शुरू हो जाती हैं या इचकियां जो है वो लगातार लग जाती हैं, और इसके साथ ही आपके पेट में भी जो है भारीपन आपको महसूस होता है और आपका जो पेट है वो डिस्टेंडेड या ब्लॉटेड रहता है यानी कि आफरा हुआ जिसे हम आम भाषा में कह देते हैं वो रहता है। तो इसके साथ ही आप लोगों को बहुत बार नौजिया और वॉमिटिंग की शिकायत भी होती है। अगर आप लोग अपने डाइजेशन की प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं तो आप होम्योपैथिक का एक पेटेंट R5 जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि R5 पेटेंट के अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसमें डली है आर्सेनिक एल्प जो है वो आपके डाइजेशन को अच्छा रखती है, और अगर आप लोगों को डायरिया की दिक्कत है डाइजेशन की वजह से, डायरिया कई बार दोस्तों क्या होता है हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तो हमें जो है आर्सेनिक एल्प लेकर अगर डायरिया हो रहा है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए, और R5 के अंदर जो है आर्सेनिक एल्प डला हुआ है। अगली दवाई जो है दोस्तों वो है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम जो है अगर आपका डाइजेशन जो है वो स्लो है या वीक है यानी कि आप खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उस टाइम पे जो है एनाकार्डियम का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को इरेक्टेशन आते हो, नौजिया रहता हो या वॉमिटिंग आती हो, तब जो है एनाकार्डियम देकर इन प्रॉब्लम्स को क्योर किया जा सकता है। दोस्तों, इससे अगली जो मेडिसिन इसमें डली हुई है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अब जो अर्जेंटम नाइट्रिकम है वो जो है आपके फ्लेचुलेंस में बहुत हेल्पफुल रहती है, आपके फ्लेचुलेंस को या फ्लैटस को बिल्कुल खत्म कर देती है। और साथ ही दोस्तों, अगर कोई ड्रिंक करने वाले लोग हैं और उसकी वजह से उनको गैस्ट्राइटिस की दिक्कत होती है यानी कि स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, तब भी जो है हम अर्जेंटम नाइट्रिकम का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें कि आप लोगों की भूख जो है वो बहुत कम हो गई है और उसकी जगह आपको प्यास ज्यादा लग रही है और वो भी ठंडे पानी की, तो इसके लिए हम दवाई लेते हैं बेलाडोना। अब अगर हम बात करें कि हमें जो है एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है यानी कि छाती में जलन होना या डकारे आना
या फिर आपको गैस बनी रहे और फ्लेचुलेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, साथ ही आपका जो है जी मचलाता रहे, यानी आपको ऐसा लगे कि जी कच्चा हो रहा है, नोजियाटिक फील हो रहा है, वॉमिटिंग जो है आ जाएगी, और इस जो ऐसी परेशानी है इनके लिए हम कार्बोवेज का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कार्बोवेज जो मेडिसिन है ये आपके एकदम असर दिखाना शुरू कर देती है। दोस्तों इससे बाद अगर हम बात करें GERD की, यानी कि अगर आपको रिफ्लक्स डिजीज है तो उसके अंदर जो है हम कैमोमेला का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आपको खाना खाते ही अगर रिफ्लक्स हो जाता है खाना तो जो है हम कैमोमेला का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही जो कैमोमेला है ये छोटे बच्चों में भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जाती है। अगर छोटे बच्चों में जो है दूध पीते ही दूध बाहर आ जाए और वो दिक्कत दे रहा है बच्चे को बहुत ज्यादा, तब हम कैमोमेला का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों अगर आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन हो रहा है, उसका कारण आपका लीवर है, लीवर में कोई परेशानी होने की वजह से ऐसा हो रहा है, नौजिया या वॉमिटिंग फील हो रहा है, तब आप जो है चेलिडोनियम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इस R5 के अंदर डली हुई है। दोस्तों इससे अगली जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है वो बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो कि डाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। लाइकोपोडियम जो है वो ऐसी स्थिति में दी जाती है जब आप लोगों को बहुत सारा खाना खाने की इच्छा हो रही हो और जब आप खाना खा लेते हैं तभी आपको जो है नौजिया और वॉमिटिंग की शिकायत आ जाती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है पर मीठा खाते ही मीठा जब पेट के अंदर जाता है और वो आपको दिक्कत देना शुरू कर दे तब हम जो है लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों लाइकोपोडियम अगर किसी पेशेंट का पेट जो है वो हरदम अफरा हुआ रहे, वो ब्लॉटेड ही रहे, तब जो है हम लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इससे अगली जो दवाई है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन साबित होती है। दोस्तों अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है और कई लोगों में जो ड्रिंक करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उन लोगों को अगर डाइजेशन की दिक्कत रहती है और साथ ही कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हम नक्स वोमिका का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों अगर R5 की डोसेज की बात करें तो ये जो है आपके डाइजेशन को सही रखने के लिए दी जाती है और कुछ छोटी मोटी दिक्कतों में काम आती है और आपको जो है दिन में इसका 3 बार सेवन कर सकते हैं। 10 से 15 बूंदे जो है वो पानी में डाल के ले सकते हैं, इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि अगर आपको कोई प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी के लिए चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।